सो गाइज, ये हैंड स्क्रीन जो आपकी YouTube वीडियो के लास्ट में लगाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेरे चैनल का लोगो है कूल माइंड टेक, जिसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो वो पहुँच जाता है सीधे सब्सक्राइब बटन के ऊपर। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वीडियो शो कर रही है जो कि मैंने खुद लगा के रखी हैं, अगर इनके ऊपर कोई क्लिक करता है तो वो सीधा मेरी उस वीडियो पे चला जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो में एंड स्क्रीन यूज नहीं करते तो आपको क्या नुकसान होता है, और साथ में अगर आप एंड स्क्रीन यूज करते हैं तो उसका आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितने व्यूज और सब्सक्राइबर आपके चैनल पे बढ़ते हैं, वो भी विद प्रूफ आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कुछ फायदा होता भी है या नहीं। तो एनालिस्टिक में जाके मैंने एंड स्क्रीन को ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 79,231 टाइम जो है मेरी एंड स्क्रीन दिखाई गई, जिसमें कि 1,319 लोगों ने जो है वो क्लिक किया। दोस्तों, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि लगभग 1300 जो व्यूज़ हैं वो मेरे को एंड स्क्रीन से मिले। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं यार कि मेरा इससे कितना वॉच टाइम इंक्रीज हुआ होगा, कितने लोगों को मेरी जो दूसरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो इतने जो व्यूज़ हैं वो फ्री में मिले और इसके ऊपर जो वॉच टाइम है वो भी फ्री में मिला। अगर आप एंड स्क्रीन यूज़ नहीं करते हो दोस्तों, कर लीजिए, एंड स्क्रीन लगाने में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता। हालांकि YouTube पे जो वीडियो है तो मैक्सिमम वीडियोस को देख के यूट्यूबर्स जो है एंड स्क्रीन नहीं यूज़ कर पाते, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ही आराम के साथ अपनी YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन लगा लोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको एंड स्क्रीन लगानी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, क्रोम ब्राउज़र में आपने अपने यूट्यूब चैनल खोल लेना है। और यूट्यूब चैनल खोलने के बाद आपने यहाँ तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कर देना है रिक्वेस्ट एज ए डेस्कटॉप साइट। दोस्तों, रिक्वेस्ट एज ए डेस्कटॉप सब करने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कूल माइंड टेक, इस तरह आपके चैनल का भी लोगो होगा, उस लोगो के आप ऊपर आपने क्लिक कर देना है और फिर क्लिक करना है आपने क्रिएटर स्टूडियो पे। दोस्तों, क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जो भी वीडियोज आपने अपलोड करके रखी है वो वीडियोज यहाँ पे शो करेंगी। तो आपको जिस भी वीडियो के ऊपर एंड स्क्रीन लगाना है आप उस वीडियो को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वीडियोज के ऊपर एंड स्क्रीन यूज करके रखा है। सो गाइज, क्रिएटर स्टूडियो में पहुंचने के बाद आपको वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिस भी वीडियो के ऊपर आपने एंड स्क्रीन लगानी है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए वो वीडियोस ले ली हैं जो वीडियो मैंने पब्लिक नहीं की आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपने जिस वीडियो के ऊपर एंड स्क्रीन यूज करना है उसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वीडियो के नीचे कुछ इस तरह से एडिट लिखा होता है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसके बाद आपने क्लिक करना है एंड स्क्रीन इज एनिमेशन पे के ऊपर। दोस्तों, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो भूल जाते हैं, यहाँ पे वो एड एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं होता, ये थोड़ा सा ब्लर होता है और ऐसे में बोलते हैं कि एंड स्क्रीन नहीं यूज हो रही। तो आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं यूज टेम्पलेट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको आपने फिर एक टेम्पलेट यहाँ पे चूज करनी है। आपको जो भी टेम्पलेट अच्छी लगे वो टेम्पलेट आप चूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक यहाँ पे गोल सर्कल देख सकते हो और यहाँ पे एक वीडियो आएगी, एक आपके चैनल का लोगो आएगा। तो इस तरह से आपको जो भी जिस टाइप की भी टेम्पलेट लगानी है आप लगा सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि ये लोगो ना आए, आपकी सिर्फ चारों की चारों वीडियोज़ आएँ, तो आप वैसी भी ये वाली रख सकते हो। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ ये वाली जहाँ पर कि बीच में लोगो है और आइट साइड में वीडियोज़ हैं, तो सबसे पहले आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है इसके ऊपर क्लिक करके, और फिर नीचे की तरफ जाना और यहाँ पर आपको एक सेव का बटन, माफ़ी चाहूँगा, सेलेक्ट का बटन दिखता है तो आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसके बाद में जो है आपकी जो ये एंड स्क्रीन होती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए कूल माइंड टेक लिख चुका है, क्योंकि एक लोगो जो है वो ऑलरेडी बन जाता है, लोगो जो भी आपने चैनल के ऊपर लोगो रखा होगा वो बन जाएगा। लेकिन अब दो वीडियोज़ यहाँ पे मेरे को डालनी है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ऐड ए एलिमेंट पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेन के आइकन है छोटे छोटे, तो इन आइकन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और फिर जो भी वीडियो आपने लगानी है उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर दें और फिर नीचे की तरफ जाएँ और फिर वहाँ पर आपने फिर से इसे सेलेक्ट करना है। दोस्तों इस तरह से जो है आप सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद जो आपके सामने कुछ इस तरह से वो वीडियो ऐड हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसे, तो मैंने ये जो वीडियो लगाई, बस आप सेम, अगर मान लीजिए आपने चूज़ किया था कोई चार वीडियोस वाला या चार फ्रेम वाला, ऐसे जहाँ पे चार वीडियोस होती लोगो ना होता, तो ऐसे में भी आप ऐसे ही सेम वीडियोस लगाते हैं। तो बस आपको फिर से यहीं पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है एक तो आगे कॉपीराइट स्ट्राइक वाली वीडियो, लेकिन दूसरी जो है दोस्तों यहाँ पर आपने डालनी है वीडियो
वीडियो अनबिलीव जो है, यहाँ पे आपने फिर पेन के ऊपर क्लिक करना है। तो पेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है नीचे की तरफ, और जो भी वीडियो आप लगाना चाहते हैं वो वीडियो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ जाना और क्लिक करना है सेव के ऊपर। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है वो दूसरी वीडियो भी आ चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह की गलती कर देते हैं। देखिए ये मिस्टेक बहुत बार होती है, जब भी आप अगर चार लगा रहे हो उस टाइम भी ये मिस्टेक होगी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जैसे अभी ऊपर जो सेव का बटन है वहाँ पे बता रहा है प्लीज़ ऐड स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स, तो आपको यहाँ पे इनके बीच में स्पेस डालना होता है। मान लीजिए एक वीडियो यहाँ है तो एक वीडियो आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो सेव का बटन है वो अब ब्लू हो चुका है ना। तो अगर मान लीजिए आप चार डाल रहे हो यहाँ पे, चार टेम्पलेट ऐसे डाल रहे हो, तो एक को आप यहाँ रखिए, दूसरी को आप पकड़ के यहाँ से रखिए, यहाँ पे रखिए, तीसरी को आप ऐसे रखिए और चौथी को ऐसे रखिए। दोस्तों एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है इनको, वरना होता क्या है कि आपकी जो ऊपर सेव नहीं हो पाती, जिस वजह से आपकी सनस्क्रीन जो है वो सही नहीं लग पाती। तो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ाएं सनस्क्रीन को, इसी तरह से रहने दे बीच में। और लोगो जो है ऑटोमेटिकली, अगर आप लोगो वाली कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर तो लोगो जो होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद आपने जो है दोस्तों सेव के वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपकी जो यहाँ पे सेव अगर एक बार से ब्लर हो जाता है तो मतलब आपकी सनस्क्रीन जो है वो सेव हो गई है। तो जैसे आपकी वीडियो के ऊपर कोई आएगा तो लास्ट में जो भी आपने सनस्क्रीन में वीडियोज़ डाल के रखी हैं वो वीडियोज़ उसको शो हो जाएंगी, और साथ में आपका लोगो भी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। लाइक, आज का लाइक हम रखते हैं 200 लाइक, उम्मीद करता हूँ आप पहुँचा देंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।